नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। मैं हर हफ्ते आपसे मुखातिब होता हूं कुछ उन तथ्यों को लेके जो सत्ता के लोग नहीं दिखाना चाहते। अब ताजा भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा नेता है वो अब कर्तव्य पथ पे चलेगा, चौकीदार कर्तव्य पथ पर चलने जा रहा है। राजपथ नाम हुआ करता था, पर 20,000 करोड़ रुपए लगा के देश का जो नया नाम आया है राजपथ का, 20,000 करोड़ लगा के सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। सत्ता के रहने वाले लोगों का एक अलग तरीका हो तो सेंट्रल विस्टा बनाया गया, और उसी की घोषणा के साथ अब जो नया नाम होगा राजपथ का वो होगा कर्तव्य पथ। अब देश का चौकीदार कर्तव्य पथ पे चलेगा, 9 साल में चलने जा रहा है। जरा सोचिए कि मेरा चौकीदार ये कर्तव्य पथ पे इधर नहीं चलता था क्या 8 साल से? और कर्तव्य पथ पे अगर नहीं चला चौकीदार तो क्या क्या नुकसान हुए? जाहिर है पहला नुकसान तो ये था कि सारा का सारा दौलत जो था वो बढ़ के 2-3 हाथों में पहुंच गया देश के। आपने देखा कोरोना आया था और किस तरह से अडानी उस कोरोना काल में 13 गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई और वो दुनिया के तीसरे नंबर के पैसे वाले हो गए, दुनिया के तीसरे नंबर के धनी। चौकीदार खड़ा रहा, चौकीदार पूरी रखवाली करता रहा, तभी तो बढ़े हैं ना। तो आप समझ सकते हैं इधर गरीब हमारा गरीब होता गया, इतना गरीब हो गया कि जो ताजा रिपोर्ट थी उसमें हर 10 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें उनमें से 9 को मिनिमम एक्सेप्टेबल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, न्यूनतम स्वीकार्य जो पोषण होता है वो उन्हें नहीं मिलता है। और ये 8 साल की बात की हालत है। चौकीदार लगातार सतर्क रहा और इतना सतर्क रहा कि सबका साथ सबका विश्वास बहुत कुछ उसने वादे किए इस 8 साल में कर्तव्य पथ पे, लेकिन अब निकला है। मुझे लगता है कि जब पहले कहा था 2013-14 में कि सबके जेब में, हर गरीब के जेब में 15 लाख रुपए आएंगे, वो चौकीदार का जुमला निकला, कर्तव्य पथ पे तो अब आया चौकीदार। तो ये 8 साल हमें जो बताया गया था कि साहब सब गरीबों को 15-15 लाख रुपया मिलेगा अगर हम सत्ता में आएंगे भाइयों बहनों, तो चौकीदार उस समय कर्तव्य पथ पे नहीं था शायद, इसलिए दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद ओफेंड डेफिकेशन फ्री, 2 साल पहले भारत को डिक्लेयर कर दिया गया कि इसमें अब कोई सड़क पे, खेतों में, रेलवे लाइन पे, रेलवे पटरी के किनारे कोई भी शौच के लिए नहीं जाता है। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा भी था, एक मजदूर की बेटी शौच के लिए गई थी, गुंडों ने उसको उसका अपहरण किया, बलात्कार किया, उसकी हत्या की, सिर्फ इसलिए कि शौच के लिए उसको रेल पटरी पे जाना पड़ता था अंधेरे में। जबकि भारत ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुका है, ये तो एक बात हुई। सबको घर देने का वादा था और 2017-18 तक ही था, लेकिन क्या करें, चौकीदार कर्तव्य पथ पे तो अब आया है ना। तो 8 साल में ये हालत है कि अभी घर तो छोड़ दीजिए कि सबको घर मिलेगा, झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे हैं, रेलवे पटरी के किनारे रह रहे हैं, जो पुलों के नीचे रहते हैं ताकि पुल के पानी आता है तो वो किनारे पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं, उन लोगों को छोड़ दीजिए। फिर इसके अलावा अब अमृत काल भी है। जरा सोचिए हमारा चौकीदार कर्तव्य पथ पे, अमृत काल शुरू, और उसमें हमारे देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए अग्निपथ पे जाना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री जो देश का चौकीदार है
वो तो कर्तव्य पथ पे निकल रहा है और हमारे जो युवा हैं वो अग्नि पथ पे जाएंगे, और जब अग्नि पथ पे जाएंगे तो वो पथ कैसा होगा नाम ही से पता लगता है, तो उनको वीर कहा जाएगा, अग्निवीर होंगे। कैसे कैसे जुमले आते हैं, कैसे गढ़ा जाता है इनको। अब अमृतकाल है साहब, ये कोई ऐसा वैसा काल नहीं है। कहा गया था कि कलयुग आता है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, वो गाना है हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, कुछ अमृत काल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। आप जरा देखिए, गरीबों की बात हमने बताई, ODF का आपने देख ही लिया। अब अभी ताजा ताजा आया है कि भारत अब ब्रिटेन को क्रॉस कर गया, जो 200 साल हमारे ऊपर हुकूमत किए हैं उनकी GDP हमसे कम हो गई, भारत बढ़ गया। जरा सोचिए, इसको भी ताली बजाया जा रहा है ये कह के कि GDP में बढ़ गए हैं, हकीकत आप जानते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो 180 देशों का नापा जाता है, मानव विकास सूचकांक, जिसपे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य को ले, स्वास्थ्य का एक और सब पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट होता है शिक्षा को लेकर, कई ऐसा पैरामीटर्स है, उनपे भारत पिछले 32 साल से वहीं का वहीं अटका है, 130 से 135 पे, 180 देशों में, मतलब नीचे से 50 खाने ऊपर है। आप जरा समझ सकते हैं कि इस GDP का क्या मतलब है। लेकिन भारत महान है, और भारत महान है तो अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जब बोला था तो उनकी नजरें एक चीज देख पाई जो हम मूर्ख लोग नहीं देख पाए। उन्होंने कहा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एस्पिरेशनल इंडिया है ये एस्पायर करता है, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल सोसाइटी बन रही है, आकांक्षाओं का उफान है। जी हाँ, ये होता ये है कि जब रिच पुअर डिवाइड बढ़ाते हैं, आप ऐसी खराब इकोनॉमी लाते हैं जिसमें अडानी तीसरे नंबर पर कोरोना काल में पहुंच जाता है जबकि कोई इंडस्ट्री नहीं चलती, 13 गुना उसकी संपत्ति बढ़ जाती है, अंबानी की हर रोज आमदनी हर घंटे 90 करोड़ की होती है इसी कोरोना काल में, तो उसके बाद गरीब तो गरीब होगा ही। तो जब रिच पुअर डिवाइड बढ़ता है तो अभी पूरे दुनिया के लोकतंत्र में जो चालाक नेता होते हैं, जो डिमेगॉग्स होते हैं, वो यही करते हैं कि नए नए सपने दिखा के आपको एस्पिरेशन में डाल देंगे। जरा सोचिए, पेट में अनाज ना हो और एस्पिरेशन हो तो कैसा होगा, लेकिन वो नशा होता है। यही बराक ओबामा ने एक पॉप सिंगर का गाना लेके उसे कहा था, यू कैन मेक इट इफ यू ट्राई, यू कैन मेक इट। मोदी जी ने भी, बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में 4 साल के, 140 बार इसको यूज किया था, यू कैन मेक इट, क्योंकि वहां भी रिच पुअर डिवाइड काफी बुरी हालत में था और अभी भी है। उसी को मोदी जी ने भी लिया और बताया, सबका साथ सबका विकास, कितना सुनने में अच्छा लगता है। फिर आगे जोड़ दिया एक और जुमला, जय जवान जय किसान, ये तो सब जानते, ताकि वोट मिलेगा तो जय जवान जय किसान होना चाहिए, जवान से राष्ट्रवाद हो जाता है और किसान से एक जनरल गरीबों का हो जाता है। फिर आगे उन्होंने जय अनुसंधान, हकीकत ये है कि अनुसंधान पे खर्च भारत सरकार ने कम कर दिया है, पिछले 5 सालों में लगातार कम हुआ है, 0.6% GDP का है, जबकि तमाम देश अपना 1 से 2% यूज करते हैं, 2.5% यूज करते हैं। लेकिन नारे देने में क्या होता है, नारे तो अजीब अजीब आप दे सकते हैं, तो आपने दिया सबका साथ सबका विकास, ये जो आपको याद होगा स्लोगन में था, जनता से जब बोला जाता था अच्छे दिन, और बड़ा अच्छा उसका लय होता था क्योंकि संघ में सिखाया जाता है कि आप अपने श्रिल वॉयस को अच्छे तरंग में कैसे कहें, तो हर चीज जुमला भी होता है तो तरंग में होता है। तो
भाषणों में आपने, आपको याद होगा, सुना होगा आपने, अच्छे दिन तो जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो उसके बाद जब सबका साथ सबका विकास हुआ तो आगे दो जो और जोड़ दिया, सबका प्रयास, क्योंकि अब अपने से तो हो नहीं रहा है, चौकीदार तो अब कर्तव्य पे अब निकला है, तो सबका प्रयास। और जैसे ही सबका प्रयास कहा, तो अगर नहीं हुआ, सबने प्रयास नहीं किया, तो क्या करेगा चौकीदार, अकेला थोड़ी कर सकता है। तो दूसरा ये तो दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये देखा आपने बलात्कार किस तरह से बढ़े, दलितों को लेके जिस तरह से हो रहा है, रोज खबरें आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बारे में प्रदेश का चौकीदार जो था, सबसे बड़ा चौकीदार, उसने कहा था कि भाइयों बहनों मुझे चौराहे पे लटका दो, लेकिन मेरे दलित भाइयों को ना मारो। कितना हृदय विदारक था वो, अरे हमारे तो आप डार्लिंग ऑफ मासेस हैं, हम आपको कैसी बात करते हैं, चौराहे पे तो हम ताली बजाने के लिए खड़े हैं, हम आपको कैसी ये सब बातें ना किया कीजिए, आप हमें न लटकाएं इतना ही काफी है। और आपने तब कहा था कि दलित भाइयों को ना मारो, किसी चीफ मिनिस्टर को सख्ती से आपने हटाया कि तुम्हारे यहां दलित प्रताड़ना हो रही है, कहां कहां का बताएं आपको, किस राज्य का बताएं जहां दलित प्रताड़ना आपके पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स के यहां नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश बताएं, उत्तर प्रदेश बताएं, बिहार में आप शासन में थे बताएं, तो हकीकत क्या है, कर्नाटक का बताएं जब आप शासन में रहे हैं। तो ये था, नोटबंदी पे भी आपने कहा था भाइयों बहनों, फिर वही चौराहे वाला झूला, भाइयों बहनों मुझे चौराहे पे रोक लेना अगर नोटबंदी के फायदे सामने 3 महीने में नजर ना आए, 5 महीने 6 महीना टाइम दिया था नोटबंदी, कुछ का कोई भी असर तो थोड़ा दूरगामी परिणाम जो उसके हुए वो आज तक भोग रहे हैं इकोनॉमी में। तो ये तो दूसरा था। अब चौकीदार का जो दूसरे नंबर का चौकीदार है वो भी बड़ा ही सतर्क है, वो तो बहुत पहले ही कर्तव्य पथ पर निकल पड़ा अपना, ईडी और सीबीआई को लेके बहुत पहले से कर्तव्य पथ पे है, और अभी 2 दिन पहले ऐलान किया वो शिवसेना के लोगों को, और कहा था कि धोखा देने वालों को तो सबक सिखाना ही चाहिए, सबक सिखाना जरूरी है। शिवसेना ने धोखा साथ में लड़ी थी और सरकार कांग्रेस के साथ बना लिया था, इसका संदर्भ था। तो अब सबक तो सिखाना ही है, तो कर्तव्य पथ पे वो बहुत पहले से बढ़ चुका है, लिहाजा वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो कर्तव्य पथ पे सब चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कहा ये जुमला ये था कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जानते हैं क्यों हुआ था, जिस इकोनॉमी में रिच पुअर डिवाइड बढ़े, डिस्ट्रस्ट बढ़े, इफेक्टिव गवर्नेंस ना हो, खाली जुमलेबाजी हो, उसके नेता को करना क्या होता है, ये पूरे पॉलिटिकल साइंस में, पूरी दुनिया में डिमागॉजी का ये तरीका मशहूर है कि उसको रोज नए नए एक ऐसा स्वप्न दिखाओ कि वो हकीकत से बहुत दूर चला जाए। आज यही हो रहा है कि हकीकत से उसे बहुत दूर कर दिया गया है। कैसे किया गया है, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। आप जरा सोचिए ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, क्रिकेट मैच हो रहा है तो एक अजीब उन्माद में कहा जा रहा है, एंकर कह रहा है 142 करोड़ों की के हाथ उठे जब और भारत माता के सम्मान में उठे, तो वो जीतेगा कैसे, नहीं पाकिस्तान से हम हार गए। अरे भाई क्रिकेट है, ये स्किल से होता है, ये क्रीड़ा का कौशल होता है, इसमें भी आप जुमलेबाजी लाते हैं कि जब 142 करोड़ का हाथ उठेगा और जब उनकी दुआएं होंगी, जब उनका होगा, तो भारत को कौन रोक सकता है और सम्मान से हमारा, अरे क्रिकेट क्रिकेट की तरह लो, उसमें अगर कौशल हमारे 12 लोगों के पास नहीं है तो हम हार जाएंगे। इसमें अननेसेसरी इसको ऐसा बना देना कि जब भारत माँ का सम्मान है और ये है, तो ये जुमलेबाजी का टिपिकल तरीका होता है जिसमें समाज को एस्पिरेशंस में डाल दो, अजीब अजीब एस्पिरेशंस होंगे उनके, और यहां तक होगा, आपको एक उदाहरण देते हैं,
अमेरिका में रिच पुअर डिवाइड बहुत है। नतीजे लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन थुकमरान जो है उन्होंने भी उनको एस्पिरेशंस में डाल रखा है, खास करके बराक ओबामा, और उसके बाद ट्रंप ने भी ये किया, लेकिन उनका तरीका और था। नतीजा एक सर्वे में पता लगा कि 70% आदमी कराहता हुआ भी अगर है, डिप्रिवेशन में है, तो भी कह रहा है कि साहब अपवर्ड मोबिलिटी हो सकती है, हम अगर मेहनत करेंगे तो तरक्की करेंगे। यूरोप में यही सर्वे हुआ तो 30% लोगों ने कहा कि नहीं साहब, मेहनत मेहनत से कुछ नहीं होता, ये इकोनॉमिक मॉडल आपका सही होना चाहिए, हम इसी से तरक्की कर सकते हैं। सिर्फ 30% ने कहा कि अपवर्ड मोबिलिटी होती है, मेहनत करेंगे तो हो सकता है। 70% ने यह कहा कि नहीं, कोई नहीं, आप मॉडल बदलिए। वो सरकार से नाराज है, और यूरोप के देशों की सरकार से। नतीजा ये हुआ कि यूरोप में वेलफेयर वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, अमेरिका में घटता जा रहा है अपेक्षाकृत यूरोप के मुकाबले। सिर्फ इसलिए कि पब्लिक को आप मुतमईन कर दीजिए, एस्पिरेशन में डाल दीजिए, वो कुछ मांगेगा नहीं, तो जब मांगे तो एक झुंझुना पकड़ा दीजिए, झुंझुना में 5 किलो अनाज भी आता है। आप जरा सोचिए कैसा देश होगा जो 5 किलो अनाज दे के वोट दे देता होगा, 5 किलो अनाज पे। उस देश के लोगों की अस्मिता, उसका अपना गुरूर, क्या वो सब कुछ नहीं है? वो ये नहीं देख रहा कि मैं 5 किलो अनाज तक आया कैसे, हमारी ये हैसियत कैसे हो गई, हमें कैसे 17 रुपया रोज देके एक बंधुआ मजदूर, एक एक भिखारी बना दिया गया है। हम ये नहीं देखते हैं, और हमें बताया जाता है कि मैं दूर से देख रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से, देश के प्रधानमंत्री, देश के चौकीदार, और अब कर्तव्य मार्ग पे चलने वाले मोदी जी ने कहा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एक एस्पायरिंग इंडिया है, ये एस्पिरेशन से भरा हुआ लवरेज है, इसके पास जबरदस्त महत्वाकांक्षा है। दरअसल वो 5 किलो की लाइन में खड़ा है। अब मुश्किल ये है कि चश्मा वो भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, मैंने उतार के देखा, बदल के देखा, मुझे वो एस्पायरिंग इंडिया कहीं नहीं नजर आ रहा है। कहाँ है एस्पिरेशन? वो किस बात का एस्पिरेशन है? बेरोजगारी बढ़ी है, इस पे वो खुश हो कि और एस्पायर करें, या भारत क्रिकेट मैच में जीत जाए इस पे वो खुश हो जाए, या हार जाए तो दुखी हो जाए? आप किसको एस्पिरेशन कहते हैं? 142 करोड़ का देश है, अगर 2-4 गोल्ड आ गए तो बहुत बड़ा कमाल नहीं किया? जरा सोचिए, छोटे छोटे देश लाते हैं, कहीं नहीं है आप उसमें। आप चाइल्ड न्यूट्रिशन में जमीन पे हैं, 8 साल आपको हो गए शासन करते हुए, देश के चौकीदार बने हुए, लेकिन आप विटामिन तक नहीं दे पाए हैं नौनिहालों को। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज जो 2018 में आया था, 18-19 के बीच में, अब वो 10 साल में खत्म हो जाएगा, 10 साल में नीचे गिरने लगेगा, उसका ग्राफ अवसान की तरफ चलने लगेगा। अगर आपने उन बच्चों को, अब तो वो टाइम निकल गया है, लेकिन आज भी अगर आप कर दे न्यूट्रिशन उनको दे दें, तो वो गोल्ड ला सकते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं हारेंगे, असली राष्ट्रवाद वो होगा। लेकिन चौकीदार अब कर्तव्य पथ पे चला है। मुझे देख के बड़ी हंसी आई कि युवाओं को भेज दिया है उसने अग्निपथ पर, और खुद अब राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम बताकर वो अब आगे बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, इस कर्तव्य पथ पर ठेके पे हमारे युवा होंगे सेना में नौकर, और हमारा चौकीदार, देश का प्रधानमंत्री, वो अब कर्तव्य पथ पर, राजपथ जो है उसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा, और तब वो चलेगा। यहां जो सबसे बड़ी बात है कि आपने उस एस्पिरेशन के साथ इतना बढ़िया ब्लेंड कर दिया है कॉम्युनलिज्म को, आपका हर मंत्री तीसरे दिन जाके कहीं, आप देख रहे हैं किस तरह का गवर्नेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर जाती हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हड़काती हैं कि मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगाया, शायद इससे मोदी जी खुश होते होंगे। आप जरा सोचिए, यही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था
जब राहुल गांधी ने कहा था कि इतने बच्चों को हमने ये दिया, मिड डे मील आप जानते हैं कांग्रेस का दिया हुआ है, 2011 में शुरू हुआ था मिड डे मील, ऐसी ऐसे अच्छे प्रोग्राम को जो आज भी चल रहा है, उस समय जब राहुल गांधी ने कहा था कि हमने दिया, तो कहा गया, मोदी जी ने भाषण में कहा, मामा के यहां से लाए थे, मामा से मतलब उनका इटली से था, और बड़ी ताली बजी थी, राहुल जी मामा के यहां से लाए थे, ये मामा का पैसा था। आज जब निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं वहां जाके, जिसमें मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगा है, और उसका क्लास ले रहे हैं, उससे पूछ रही है कि कितना पैसा सेंटर का शेयर जाता है, कितना स्टेट का है, वो बहुत बड़े कंपटीशन से आया है निर्मला जी, वो नेतागिरी करके नहीं हुआ है, बड़ा टफ होता है आईएएस का कंपटीशन, कभी एक पेपर देख लीजिएगा, उससे आप जनरल नॉलेज पूछ रही हैं। तो उससे कहा कि आधे घंटे का टाइम है, पता करके बताओ कि सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, स्टेट का कितना है, और ये कह के उसको हड़का के वो चली आई। आपके एमएलए किस तरह, एमपी किस तरह बिहेव कर रहे हैं सड़क पे, रफियंस की तरह वो डील कर रहे हैं लोगों को और पुलिस को, तो लेकिन आपको एस्पायरिंग इंडिया नजर आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है देश के चौकीदार को कि एक एस्पायरिंग इंडिया है। पता नहीं, मुझे तो कई तरह के चश्मे हमने लगाए, मुझे तो कहीं एस्पिरेशन नहीं नजर आ रहा है, हाँ कंफ्यूजन। तो हमने ये जो पूरा आज आपसे चर्चा की, डीप में जाके क्यों नहीं देखते हैं, हर रोज नए नए नारे आपको मिल जाते हैं, आप इससे खुश हो जाते हैं, ये जो नए नारे रोज मिलते हैं, कभी कर्तव्य पथ नाम बदल के राजपथ का कर्तव्य, उससे क्या आपके जो टूर होते हैं, जो पॉलिटिकल टूर होते हैं अपने को रेस करने के लिए, उसका खर्चा कम हुआ है? राजपथ को कर्तव्य पथ बना देंगे तो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं जरूरत है, आपने तो तमाम वादे किए हैं, एक वादा मुकम्मल तो कर दीजिए, और अगर किया है तो वो गलत निकला है, ODF फ्री कर दिया है भारत को, और रोज लड़कियों का बलात्कार को रहा, जब शौच करने जा रही है खेत में, गांव में, ट्रेन के पर, रेल पटरियों पर, तो ODF ये कौन सा हुआ है? लिहाजा आप जो कह रहे हैं उसकी हकीकत ये है, हाँ अडानी बढ़ा है, तो अगर चौकीदार 8 साल की रक्षा करते हुए हम लोगों की, चौकीदार का काम यही है ना, उसने गरीब को और गरीब होने दिया और अडानी बढ़ गया, अंबानी बढ़ गया, तो चौकीदारी शायद माफ करे तो अच्छा होगा, पर देखिए आप कर्तव्य पथ पे आ रहा है, सोचना आपको है, आपकी अगर ये समझ में आ जाए तो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन क्या आप समझने को तैयार हैं? इसको क्यों नहीं डीपली एनालाइज करते कि आपको अननेसेसरी एक स्वप्न में डाल दिया जाता है, कहीं कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो अडानी अंबानी का बदलता है, लेकिन आपको इसमें डाल दिया जाता है, एक अजीब सा स्वप्न हर बार दिखा दिया जाता है, अब सेंट्रल विस्टा बनेगा, कुछ दिन उसका चलेगा, उसकी चर्चा होगी, पटेल की स्टैचू आती है, कुछ दिन उसकी चर्चा रहती है, हम तमाशे में जिएंगे? तो ये पेट, हमारे बेटे की नौकरी, हमें सड़क पे जाने पे कोई खतरा ना हो, कोई बलात्कारी ना खड़ा हो, इन सब से बचने का क्या उपाय है? इंतजार करते हैं, चौकीदार कर्तव्य पथ पे निकलेगा, अभी उद्घाटन होने जा रहा है, अब जब कर्तव्य पथ पे निकलेगा तो एक बार फिर देखते हैं कि वो जुमला रहेगा कि सच्चाई में कन्वर्ट होगा। देख लीजिए, आपके पास 2 साल हैं, 2 साल में अगर समझ पाए तो समझ पाए, वरना देखिएगा क्या होता है। तब तक आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तमाम अन्य विषयों पर फिर से बात करेंगे, आज के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।